वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? किरण साजिद। किरण, मुझे बताएं, पर रेजिडेंशियल को जानती हैं? यस। क्या जानती हैं? कि एक हाउसिंग कॉलोनी है। ओके, कैसी कॉलोनी? बहुत अच्छी कॉलोनी है। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, मतलब कि इधर फंक्शन, एंटरटेनमेंट के लिए। यस, फंक्शन होता, बहुत जबरदस्त लगा एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड। और आप हमारे पेज को कब से फॉलो कर रही हैं? बहुत देर से कर रही। तो हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए था, तो वो अभी सबसे बड़ा एरिया पल रेजिडेंशियल के पास ही था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो यहाँ पे इनका जो एक बड़ा माइलस्टोन इन्होंने जो अचीव किया हुआ है, टू बिल्ड दिस सोसाइटी ऑन 9-10 मुरब्बास, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। फील माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे, मार्केट भी बहुत अच्छी है और प्लेस जो है वो पर रेजिडेंशिया। यस, एक्सेलेंट प्लेस है। हाय, तो अच्छे इंतजाम है आते हैं यहाँ के पर रेजिडेंशिया के। पर रेजिडेंशिया जो है दैट इज अ वेरी एक्सेक्टेड लोकेशन फॉर प्रोटेक्शन, सो दैट इज द रीजन फॉर दैट। डांसिंग फाउंटेन और पार्क्स और इस तरह की चीजें दी हैं जिससे फीलर बहुत पॉजिटिव आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा कदम है जी ये भी, और इससे हमारे शहर की शान बढ़ी है जी। ओवरऑल हमारे शहर की एक क्लास बढ़ी है, उसकी लाइफस्टाइल बढ़ा है, उसका अच्छा बेहतर हुआ है। काफ़ी काफ़ी खुली जगह है और अच्छा एनवायरनमेंट है और सिक्योर एनवायरनमेंट है। क्योंकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, मतलब अच्छा एक वहाँ पे एक एनवायरनमेंट दिया हुआ है आपने, अच्छी एम्बियंस है। तो मैं बल्कि सजेस्ट करता हूँ दोस्तों को भी कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें या अपने लिए एक वो रेजिडेंसी क्रिएट करें। पार्क्स वगैरह और वैसे भी जो आपकी एंट्रेंस है, गेट जो है वो भी एक अच्छा उसका डिज़ाइन है, और बाकी भी अच्छी डेकोर हुआ हुआ है सारा अंदर, जितना भी डिज़ाइनिंग है ना वो अच्छी, मतलब अच्छी है, वो एम्बियंस अच्छी है ओवरऑल। नहीं, ये एक तो देखें मोटरवे के पास है, फिर शहर से भी ज़्यादा फासला नहीं है, उसके साथ ये है कि यहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क बहुत अच्छे बने हुए हैं। रोड्स जो हैं वो मैंने इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ भी देखी हैं, ये तकरीबन उनके साथ मैच करती है यहाँ की सोसाइटी ना। बाकी लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा ना मेहनत नहीं कर रहे, या उनका प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं है। पर्ल रेजिडेंशिया की प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये क्योंकि ये सोसाइटी जो है ना, ये आप कंपेयर करें अगर उसके बैरिया टाउन वगैरह से, तो मेरे ख्याल ये टोबा में बैरियर टाउन ही समझ लें, उस लेवल की है। और वैसे भी इसकी लोकेशन और इसकी डेवलपमेंट जो है ना, वो किसी भी यहाँ पे जो टोबा में सोसाइटीज़ हैं उनसे सबसे बेहतर है।